हेलो एवरीवन, दिस इज वरिनी सिंगर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी फूड ब्लॉगर। और जैसे कि ठंड बढ़ती जा रही है तो आज उसी के चलते एक ऐसी होममेड रेसिपी लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप चाप के शौकीन हो। जी हाँ, सोयाबीन से बनी हुई सोया कीमा, मतलब वेज कीमा। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बट ये प्योर वेज होने वाला है, इसमें कुछ भी नॉन वेज का यूज नहीं करेंगे। हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करे जाते हैं, तो वो सब चीजें बताएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट इसलिए जरूरी है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो बताइए, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर या किस डिश पर या किस रेस्टोरेंट पर देखना चाहते हैं वो जरूर बताइए। तो अब चलते हैं सीधे किचन में और आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं सोयाबीन के बढ़ियाँ जो आती हैं, न्यूट्रेला की बढ़ियाँ। इन्हें हमने एक बाउल में गर्म पानी कराया और उसमें सोक करने के लिए रख दिया है जिससे कि ये फूल जाए। अब हमने लगभग 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और उन्हें छोटा छोटा काट लिया है। जो हमने सोयाबीन की बढ़ियाँ उबाली थी और सोक करी थी उन्हें हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, इससे इसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं। यहाँ हम 2 टमाटर की प्योरी ले रहे हैं, ये होममेड प्योरी है। यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं जैसे कि लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्दी और जीरा। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेकर उसमें वो कीमा डालते हैं और उसमें दही ऐड करते हैं जिससे कि एक खट्टापन आएगा, और मैरिनेशन के लिए हम दही का यूज़ करते हैं इसमें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है इन फ्यूचर, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है। मुजफ्फरनगर की और आसपास के और भी शहरों की वीडियो हम कवर करने वाले हैं, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप क्या क्या और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, किससे रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, लाइक चैलेंज देखना चाहते हैं, फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमें कोई सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ की वीडियो बनाइए तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जल्दी से। तो अब हम इसमें ये मसाले मिला रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना गरम मसाला मिलाते हैं, फिर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, स्पाइसी में ज़्यादा नहीं रखूँगा इसे, आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसी कर सकते हैं। फिर इसमें धनिया पाउडर और हल्दी डाल देते हैं। अब फटाफट से इसको मिला लेते हैं सारे मिक्सचर को। अब लेते हैं कढ़ाई, उसमें पहले घी गरम करते हैं, फिर उसमें जीरा डालते हैं। जीरे को थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनते हैं थोड़ा। फिर डालते हैं इसमें थोड़ा सा हींग, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। अब डाल देते हैं इसमें प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करते हैं। अब डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है इसमें। अब जो हमने होममेड प्यूरे बनाई थी अब उसे इसमें डाल देते हैं। अब हमें दोनों चीज़ों को तब तक पकाने हैं जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट ना कर दें, और जिससे कि ये चीज़ जल्दी हो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार।
अब जो हमने इसमें कलर कश्मीरी मिर्च बचाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा। देख सकते हैं आप कि हमारी ग्रेवी टाइप का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और कितनी गाढ़ी हो गई है। देख सकते हैं आप कितनी सही लग रही है ये देखने में, ऑयल सेपरेट हो चुका है बिल्कुल। इस कंडीशन पे हम थोड़ी फ्लेम लो कर देंगे और अब मिलाएंगे हम इसमें अपना कीमा जो हमने तैयार करा था मैरिनेटेड, वो मिला देंगे अब हम इसमें। अब इस सब मैं मटेरियल को अच्छे से भूनना है हमें, जब तक कि ये कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, अच्छे से भून नहीं जाता हमारा कीमा, तब तक हम इसे भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि थोड़े फ्लेवर्स अंदर चले जाएं कीमे के सारे। तो तब तक इसे भूनते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये धुआं उठती हुई एकदम गर्मा गर्म वेज कीमो। तो अब इसे करते हैं सर्व। देखने में बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है गाइस, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है, मतलब इनक्रेडिबल। अगर आपको पसंद है ना सोयाबीन, जस्ट अमेजिंग। थोड़ी सी लेते हैं बाउल में, गार्निशिंग देख रहे हैं ऐसे आप कितनी अच्छी करी है मैंने। तो भैया अब करते हैं इसे टेस्ट और आपको बताते हैं कि कैसा होने वाला है इसका टेस्ट। तो ये साथ में हमने दो बंद सेके हैं, जी हाँ बंद जो आते हैं पाव भाजी वाले वही सेके हैं। तो देखने में बड़ी टेम्पटिंग, बड़ी मज़ेदार लग रही है डिश, तो चलिए ट्राई करते हैं। बन एकदम मीठा, मतलब जैसा नॉर्मल मीठा टेस्ट होता है, और सब्जी चटपटी। खाने में मजा ही आ रहा है। कीमे की जो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है, अमेजिंग टेस्ट आ रहा है। इसमें जो हमने मीट मसाला डाला है वो प्योर वेज होता है गाइस, तो ये ना समझे कि इससे हमारी डिश नॉन वेज हो गई, वो प्योर वेज होता है। बट अगर आपको मीट मसाला नहीं डालना तो आप क्या कर सकते हैं, गरम मसाला लीजिए, उसमें आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच सौंफ बढ़ा दीजिए, कुछ कुछ वैसे ही टेस्ट आने लगेगा आपको। सोयाबीन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दो, उसके आगे बेल का आइकन होगा उससे ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो मजा आने वाला है उन्हें देखने में। और कमेंट्स करके बताओ कि आप अगली वीडियो कहाँ की देखना चाहते हो, या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी वीडियोस में। जब हमने इसके ऊपर क्रीम डाली थी ना व्हाइट कलर की गार्निशिंग के टाइम, ऑसम टेस्ट दे रही भाई साहब। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजुअली ऐसी दिखाऊंगा जो आप हर कोई घर में मोस्टली खाता है, बट मैं उसका एक अनदर वर्जन दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो वीडियो अपलोड। चलिए गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वो बता ही दिया मैंने, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, कहाँ के वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस डिश के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।